दमदार मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल की, जिनके घर पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सत्यपाल मलिक के घर पर सर्च ऑपरेशन जारी है। करीब 30 से ज्यादा लोकेशन पर यह सर्च ऑपरेशन हो रहा है। हालांकि क्या वजह है और अब तक क्या कुछ सामने आ पाया है, इस बारे में भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे सहयोगी से। पर इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जो हैं उनके घर पर सर्च ऑपरेशन जारी है। सत्यपाल मलिक इनका नाम था, घर पर सर्च ऑपरेशन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए। शंकर, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल के घर पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्या है मामला और अभी तक क्या कुछ सामने आ पाया है जाँच पड़ताल में? वक्त में सीबीआई के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे सतपाल मलिक, उनसे जुड़े हुए कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से बकायदा मामले की अगर बात करें तो हालांकि ये मामला तकरीबन 300 करोड़ से ज्यादा का एक ब्राइब देने का मामला था। हालांकि इस मामले में खुद सतपाल मलिक शिकायतकर्ता भी थे, लेकिन जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा ये खंगाला जा रहा था कि इस मामले में शिकायत कब दर्ज हुई, इस मामले में शिकायत दर्ज कराने की जो वजह उस वक्त में क्या रही थी और इस मामले में सच्चाई क्या है, तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से खंगाला जा रहा है। हालांकि इस मामले में सर्च ऑपरेशन के दौरान में ही सतपाल मलिक के द्वारा एक ट्वीट जो है वो सामने आया है, उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया है। और उन्होंने ट्वीट करते हुए सतपाल मलिक ने लिखा है कि पिछले 3-4 दिनों से मैं बीमार हूँ और अस्पताल में हूँ, इसके बावजूद मेरे मकान में तानाशाह द्वारा सरकारी एजेंसियों के से छापे डलवाए जा रहे हैं, मेरे ड्राइवर मेरे सहायक के ऊपर भी छापे मारकर उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है। इसके साथ ही इन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि किसान का बेटा हूँ, इन छापों से घबराऊंगा नहीं, मैं किसान के साथ हूँ। तो इस खबर का मतलब जो है वो काफी गंभीरता जो है वो समझी जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो जांच एजेंसी के जो हमारे सूत्र हैं उनका कहना है कि ये मामला, देखिए सर्च ऑपरेशन की जो प्रक्रिया है वो पहले से तय होती है और सर्च ऑपरेशन के तहत आज राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, आप लगातार इस पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर जानकारी को साझा करने के लिए। और चलिए इसी बीच आपको लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वैष्णोदेव साय क्या कुछ कह रहे हैं, आम सभा को संबोधित करेंगे और कार्यकर्ताओं में आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए उत्साह का संचार करेंगे। माननीय ने विश्वास करिए 11 में से 11 सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिता के देंगे। प्रत्याशियों की सूची कब तक जारी कर रहे हैं? तो सीएम साय को आप सुन रहे थे। दरअसल आज जो है बेहद खास दौरा जो है अमित शाह का है और इसी बीच तैयारियों का जायजा भी लिया जा रहा है और जनसभाएं होंगी, दिन भर का कार्यक्रम रहेगा, उस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं, जगदलपुर का जिक्र करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं, ओडिशा रवाना होने से पहले पहुंचे। जगदलपुर एयरपोर्ट पर मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पर पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात भी की, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया उनका। ओडिशा लोकसभा क्लस्टर की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे राजनाथ सिंह, जगदलपुर पहुंचे हेलीकॉप्टर से और वहां पर स्वागत उनका हुआ और वहां से ओडिशा के लिए रवाना हो गए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जगदलपुर की, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, ओडिशा के लिए रवाना हो रहे थे और वहीं पर बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। जशपुर का जिक्र, अब उप सरपंच और महिला पंच के बीच मारपीट हुई है, आपसी विवाद में यह मारपीट होना बताई जा रही है, मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत की, कुनकुरी थाना इलाके के कंडोरा का ये मामला आपको बता रहे हैं। उप सरपंच और महिला पंच के बीच मारपीट, ये मारपीट का वीडियो अब सामने आया है। दोनों पक्षों ने थाने में फिलहाल शिकायत भी दर्ज करा दी है। किस बात को लेकर विवाद हुआ इस बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। सहयोगी दीपक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या है पूरा मामला, उप सरपंच और महिला पंच के बीच क्यों ये मारपीट हुई?
जी जी तो मैं आपको बताऊंगी, ये पूरा मामला कुनकुरी थाना क्षेत्र के कंडोरा का है और कंडोरा गांव में एक धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन था और इसी बीच जो उप सरपंच है और महिला पंच है इन दोनों के बाद किसी चीज को लेकर कहा सुनी हुई, किसी बात को लेकर आपस में विवाद हुआ और उस घटना के दो दिन बाद जब दोनों पक्ष ग्राम पंचायत के कार्यालय में पहुंचे तो दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई और इस दौरान जो महिला के पति ने भी जो उप सरपंच से मार, घटना के बाद दोनों पक्षों के लोगों ने थाने में मामले की शिकायत की। लेकिन अब आज जब हमने थाना प्रभारी से बात की तो उनका कहना था कि दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दी है लेकिन अब दोनों पक्ष आपस में समझौता कर रहे हैं और फिलहाल जो है पुलिस की जांच इस मामले में जारी है और दोनों पक्षों ने अभी तक समझौता के लिए आवेदन नहीं किया है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए दीपक। भोपाल के भदभदा के किनारे से झुग्गियों को हटाने का काम लगातार जारी है। आज दूसरा दिन यह कार्रवाई का, 100 झुग्गी वासियों को दूसरी जगह शिफ्ट भी किया जाएगा। बता दें यह कार्रवाई कल शुरू हुई थी लेकिन विरोध के चलते सिर्फ 30 झुग्गियों को ही हटाया जा सका था। यहां अवैध रूप से करीब 386 झुग्गियां हैं। एनजीटी के निर्देश पर इन्हें दूसरे इलाकों में शिफ्ट किया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामे से बचने के लिए रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। सुबह 6 बजे से यह कार्रवाई लगातार जारी है। एनजीटी के निर्देश के बाद राजधानी भोपाल के भदभदा बस्ती के आवासों को हटाने का काम अब कल से शुरू कर दिया गया है। कल जिस तरीके से 30 मकान हैं उनको हटाया गया था और उसके बाद कल कई विवाद की स्थिति भी निर्मित हुई थी जिसके बाद कलेक्टर ने जो रहवासी उनके साथ मुलाकात की थी और उसके बाद समझाइश के बाद अब स्थिति जो है वो सामान्य हो गई है। कुल 386 झुग्गियां हैं जिनको हटाया जाना है, इनको दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। देखिए एनजीटी ने भदभदा जो के किनारे जो बस्तियां बनी थी इनको हटाने के निर्देश दिए थे और उसके बाद नगर निगम ने बाकायदा मुनादी करके इनको हटाने की बात कही थी लेकिन कल तक इनका डेडलाइन थी, जब नहीं हटी उसके बाद नगर निगम की टीम यहां पहुंची थी, जब हटाने की कार्रवाई की गई तो थोड़ा सा विरोध जरूर हुआ था लेकिन उसके बाद अब सहमति बन गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज जो है वो 100 बस्तियों को यहां से शिफ्ट किया जाएगा, दूसरे जो अन्य इलाके हैं उनको उनमें इनको रहने के लिए आवास दिया जा रहा है। कुछ लोगों को मुआवजे के तौर पर राशि का चेक का वितरण भी कल किया गया था तो कल देर शाम को कलेक्टर के साथ हुई बैठक के बाद अब स्थिति जो है वो काबू में है और ये माना जा रहा है कि आने वाले एक या दो दिन में सभी 386 जो मकान हैं यहां से शिफ्ट कर दिए जाएंगे। तो एनजीटी के साफ तौर पर निर्देश थे कि कलियासोत हो, भदभदा हो या दूसरे अन्य जो डैम है उसके किनारे जो आवास बन गए थे, कच्ची झोपड़ियां बन गई थी, उनको शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए थे और उसी कड़ी में नगर निगम का ये अभियान जो है वो लगातार जारी है। कैमरामैन खलान सिंह के साथ सैलन सिंह, न्यूज 18 भोपाल। ग्वालियर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। शराबी ने दिव्यांग को पीटा है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 की यह घटना है। यात्रियों ने घटना का वीडियो बना लिया और उसे वायरल कर दिया। ये दिव्यांग के साथ मारपीट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां पर शराबी ने दिव्यांग को जमकर पीटा। ये तस्वीर आपके सामने ग्वालियर की आपको दिखा रहे हैं। वहां पर जो यात्री मौजूद थे उन्होंने ये पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया। हालांकि किस बात को लेकर के विवाद हुआ ये अब तक सामने नहीं आ पाया है, जानने की कोशिश करेंगे। सहयोगी सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, रेलवे स्टेशन पर शराबी ने दिव्यांग को पीटा है, क्या मामला था, किस बात को लेकर विवाद हुआ, क्या कुछ था बताइए। देखिए ग्वालियर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 की पूरी घटना बताई जा रही है और ये सामने आया है कि जो कर्मचारी था ये आउटसोर्स के जरिए काम करते हैं, चादर वगैरह सहित जो सप्लाई का काम, ढुलाई का काम होता है रेलवे के लिए, तो इसमें ये एक शराबी युवक था जो काम करता था और इसी का ये आरोप था कि जो चादर एक दिव्यांग के पास थी ये चादर वो रेलवे की लेकर आया था और उसी चादर को उसने शराब के नशे में दिव्यांग से छुड़ाया और उसी दौरान उसके साथ जो है बेरहमी से मारपीट भी की, उसके ऊपर पैर भी रख दिया। हालांकि खुद शराब के नशे में था, यही वजह कि आसपास कुछ लोग मौजूद जरूर थे लेकिन वो उसका प्रतिरोध नहीं कर पाए। हालांकि बाद में जो है इस दिव्यांग को छुड़ाया गया लेकिन कहीं ना कहीं इस घटना ने निश्चित तौर पर रेलवे स्टेशन की जो सुरक्षा व्यवस्था है या वहाँ के हालात है उसको बयां किया है और एक बेहद ही शर्मनाक घटना कही जा सकती है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर का जिक्र करेंगे। यहां पर पुलिस नक्सली मुठभेड़ का वीडियो वायरल हो रहा है। दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर यह गोलीबारी हुई थी। 3 नक्सलियों को गोली लगने की भी सूचना थी। इंद्रावती नदी के तट पर नक्सली कमांडर मल्लेशव टीम से मुठभेड़ हुई थी। न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता।
तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुठभेड़ का वीडियो सामने आया है। मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के को गोली लगने की भी जानकारी जो है मिल रही थी। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पुलिस नक्सली मुठभेड़ का ये वीडियो सामने आया है जब गोलियां चली और नक्सलियों को गोली लगने की भी खबर मिल रही है। हालांकि हम इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते। नहीं ठीक है ठीक है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस नक्सली मुठभेड़ का ये वीडियो वायरल हो रहा है। आए दिन दंतेवाड़ा से हम तस्वीरें देखते हैं किस तरह से कायराना करतूत जो है नक्सलियों के सामने आती है। और जानकारी इस मामले में लेंगे। सहयोगी दिनेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, ये पुलिस नक्सली मुठभेड़ का वीडियो जो सामने आया है, आखिर क्या किसी अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है और क्या ज्यादा जानकारी है? चूंकि 3 नक्सलियों को गोली लगने की भी खबर। जी मैं आपको बता दूं, जो लाइव वीडियो चल रहा है, ये पिछले दिनों जो क्रॉस फायरिंग में एक ग्रामीण की मौत हो गई थी, वही वीडियो है जो जिसे आमने सामने की गोली चल रही है। हालांकि इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, पर यह वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी जोरों से चल रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। हालांकि इसकी अभी तक किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस नक्सली मुठभेड़ कुछ दिन पहले हुई थी जिसका अब ये वीडियो सामने आया है। वहां पर किसी ने वीडियो बनाया और वीडियो वायरल हो गया। इंदौर से बड़ी खबर का जिक्र। कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव कृषि की सरकारी कार को टक्कर मारी गई है। बाल बाल बच्चे हैं अपर मुख्य सचिव अशोक बड़वाल। बता दें हादसे में कार को नुकसान भी हुआ है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को भी पकड़ लिया है। तो बाल बाल जान बची है सरकारी अफसर की। बड़ा हादसा होते होते टला है। हालांकि कार क्षतिग्रस्त हुई है और जो ट्रक ड्राइवर था उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है, उसे पकड़ भी लिया गया है। देवास में युवक ने कुल्हाड़ी से वार कर तांत्रिक की हत्या कर दी। युवक को शक था कि तांत्रिक ने उसके माता पिता की हत्या की और अब वो तांत्रिक क्रिया से उसे भी परेशान कर रहा है। टोंक खुर्द पुलिस ने इस कत्ल का खुलासा किया। घटना 17 फरवरी की है। पुलिस ने आरोपी से कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है। कि मेरे को भी ये अल्टीमेटम था कि मैं भी 15 दिन में इनकी तांत्रिक क्रियाओं से मर जाऊंगा। इस तांत्रिक क्रियाओं की परेशानी के कारण से इसने ठान लिया कि मुझे अपनी जान बचाने के लिए इसको मारना पड़ेगा। घटना की रात को कुल्हाड़ी लेकर के और राजकुमार ने इस घटना को अंजाम दिया। उसके द्वारा पूरी घटना स्वीकार कर ली गई है। आरोपी को हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। छतरपुर में खूनी संघर्ष हुआ। दो परिवारों में ये खूनी संघर्ष बताया जा रहा है। एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया गया। 4 महिलाओं सहित 13 लोग घायल हैं। खेत में सिंचाई को लेकर विवाद हुआ था और देखते देखते ये विवाद बढ़ता चला गया और मारपीट में बदल गया। ये 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो पानी के लिए ये विवाद शुरू हुआ और खून तक जा पहुंचा। इसमें एक दूसरे का खून बहाया गया, एक दूसरे के साथ मारपिटाई की गई। में सिंचाई के दौरान आपस में दो पक्षों में विवाद हो गया था, जिसको लेकर झगड़ा मारपीट हो गई। एक दूसरे के लिए काफ़ी चोटें आई हैं। सूचना मिली तो तत्काल मौके पर गए। घायल व्यक्तियों को सभी को लाके बड़ा मनार अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। उनकी छुट्टी वैधानिक कार्रवाई हो रही है। और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ।